शुरू करें। सबसे पहले आप सभी लोगों को सरहुल तो बीत ही गया, रामनवमी और अभी जो रमजान चल रहा है पवित्र रमजान, इसका ढेर सारी आप लोगों को शुभकामना। बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए आप लोगों को मैं आज बुलाया हूँ। आए दिन अखबार में मीडिया ट्रायल 200 करोड़, 300 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़ पूरा चल रहा है पूरा। हमको लगता है कि इन तमाम चीज़ों को लोगों के बीच में आना चाहिए। इससे पहले भी आपका सीबीआई के विशेष अदालत में जो कन्विक्शन किया पूरा, और मेरा विधायिका भी चली गई पूरे, तो इसी पर आज थोड़ा सा हम कुछ चीज़ों को आप लोगों को चाहते हैं कि हमारे आप लोगों के माध्यम से हम पूरा कुछ चीज को क्लियर करें, ताकि राज्य की जनता को इसको समझे कि जिस किस तरह यहाँ पर पूरे ना स्टेट में ही केवल नहीं, पूरे देश में राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों का आवाज बनने वाला को किस तरह से उनके साथ में उनका आवाज को दबाने का, और किस तरह से उसको मैंने उसको राजनीतिक रूप से उसको समाप्त करने का एक तरफ से प्रयास किया जाता है। मैं इसी चीज़ को आप लोगों के सामने आज रखूंगा। सबसे पहले 34वीं राष्ट्रीय खेल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घोटाले के सीबीआई जांच के संबंध में, उसी के संबंध में हम चाहते हैं कि आज थोड़ा हम पब्लिकली उसको सार्वजनिक कर दें पूरा करा करके। एक बात आप सभी लोग को पता है कि एक ही मामले का बार बार सीबीआई जांच के उद्देश्य मेरी राजनीतिक छवि जिसको कहा जाए को धूमिल करने का ये षड्यंत्र है, और यह भी संदेश है कि भाई प्रदेश में क्या देश में के जो आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों का जो हक अधिकार के बारे में जो संघर्ष करता है उसका आवाज़ को कैसे कुंद कर दिया जाए, इसी का एक तरफ से तुम्हारा एक तरफ से ये साजिश षड्यंत्र प्रयास भी कहा जाए। अगर इस घोटाले में मेरी संलिप्तता होती, एक चीज़ को आपको ध्यान देना, मेरी अगर इस घोटाले में मेरी संलिप्तता होती तो मेरे द्वारा जो अर्जित संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति चल हो, चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे 100 एकड़ का जमीन, या तो बसंत कुंज दिल्ली में 8 करोड़ का संपत्ति कहाँ मिली जैसा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए कि भाई आपका 100 एकड़ बनोरा में जमीन खरीदा गया, चाहे दिल्ली में आपका 8 करोड़ का मकान खरीदा गया, तो इसको सार्वजनिक कम से कम फोटो वगैरह भी, घर का मकान का फोटो, जमीन का कम से कम एरिया वगैरह, कागजात वगैरह, जमीन में तो कागजात वगैरह मेरे नाम से होगा तो कागजात वगैरह, इसको कम से कम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दूसरी बात है इसी में कि इस मामले में सीबीआई केस संख्या RCS ब्रैकेट में A/2010 के द्वारा मेरे ऊपर लगे आरोपों का जांच की गई, पूरा जांच की गई, 10-12 साल जांच की गई। जांचोपरांत सीबीआई द्वारा पाया गया कि मेरे द्वारा अर्जित या तो हासिल चल अचल संपत्ति का कोई साक्ष्य नहीं है, मैंने कोई साक्ष्य उसका नहीं मिला पूरा। साथ ही मेरे द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक चीज ध्यान दीजिएगा जो आ रहा है, मेरे द्वारा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को फेवर करने का कोई साक्ष्य ही नहीं मिला पूरा कि हमने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को फेवर किया, उसका भी साक्ष्य में इस संदर्भ में भी जांच रिपोर्ट और साफ क्लोजर रिपोर्ट का प्रिंट संख्या 7-7 में सीबीआई ने यह पाया है। सीबीआई मैंने उसमें कुछ मिला नहीं, उसको भी सीबीआई ने दर्शाया और उसमें लिखा हुआ है दस द एलिगेशन रिगार्डिंग द फेवर गिवन बाय श्री बंधु तिर्की टू द कंस्ट्रक्शन कंपनीज कुल नोट बी प्रूफ। ये पूरा हम आपको सीबीआई का रिपोर्ट भी आप लोगों को हम दे देंगे जो चाहिए। उसमें सीधे लिखता है दस द एलिगेशन रिगार्डिंग द फेवर
गिवन बाय श्री बंधु तिर्की टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी कुल नोट भी प्रूव्ड। फिर उसी मामला एक ही चीज को कर रहा है, मैंने जो आपका सीबीआई जो कि देश का सबसे बड़ा एजेंसी सीबीआई, वो सीबीआई जांच किया, अब उसी चीज को एसीबी जांच कर रहा था, एसीबी को कुछ ही नहीं हुआ, फिर सीबीआई, मतलब आप इस चीज को समझने की जरूरत है। सीबीआई रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पृष्ठ संख्या 7 जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित सभी फैसले इनके मंत्री बनने के पूर्व भी लिए जा चुके थे, इसको गौर करना है। और एक बार बोले, सीबीआई रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पृष्ठ संख्या 7 जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन में संबंधित सभी फैसले इनके मंत्री बनने के पूर्व में ही लिए जा चुके थे, टेंडर उंडर सब सारा चीज पूर्व में ही हुआ था, हम तो मुंशीफगिरी करने के लिए वहां पर मंत्री बने थे तो सब जानते हैं उसमें चुके थे। और उन्होंने इन निर्णयों के केवल, सीबीआई का रिपोर्ट है, और इन्होंने इन निर्णयों को केवल काजरूप दिया था ताकि राष्ट्रीय खेल समय पर हो सके। जांच में यह भी दर्ज है कि इस कार्य में सम्मिलित झारखंड सरकार के पीडब्ल्यूडी खेलकूद विभाग को इनके द्वारा केवल संसाधन उपलब्ध कराए गए जिनका निर्णय पूर्व में लिया जा चुका था, जो कि सच्चाई है, सीबीआई कह रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सीबीआई ने अनुसंधान उपरांत सारे आरोपों को खारिज कर दिया कि मेरे द्वारा किसी कंपनी को अनुचित लाभ प्रदान कराया गया, वो खारिज कर दिया सीबीआई उसको भी। इन्होंने यह भी दर्ज किया कि दिल्ली के बसंतकुंज में फ्लैट और रांची के बनहोरा में 100 एकड़ जमीन होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसी जांच सा क्लोजर रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 10 में सीबीआई ने ओपिनियन दिया, क्या ओपिनियन दिया, दिस इज नॉट ए फिट केस फॉर द लॉन्चिंग प्रोसीक्यूशन अगेंस्ट श्री बंधु तिर्की, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सीबीआई मे बी अलाउड टू क्लोज इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट श्री बंधु तिर्की इन दिस केस। ये सीबीआई रिपोर्ट है। इसको पढ़िए ना, पूरा इसी में आ जाएगा, पढ़ लीजिए ना। तो अब रही बात इसमें कि ये एक तरफ से मेरा छवि को, मैंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है, और इसीलिए हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं। ये रिपोर्ट को आप लोग जरूर पढ़िए, सीबीआई का रिपोर्ट को, और मीडिया ट्रायल के माध्यम से, चूंकि अभी इस तरह की बात हो रही है, हालांकि ये 6 लाख का ये में आपका लोगों का सहानुभूति भी मिल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इन तमाम चीजों से हम ना डरने वाले हैं, ना विचलित होने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, बता रहे लड़ेंगे, और हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से न्याय हमको मिलेगा। और चूंकि जो पूरे अपने पॉलिटिकल करियर में जितना साफ सुथरा तरीके से मैंने राजनीति किया है, और यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का आवाज़ बन करके, चाहे वो लैंड का इशू का मामला हो, चाहे यहाँ का नौकरी का इशू का मामला हो, चाहे स्थानीय मुद्दे का जैसा इशू है, इन तमाम इशूओं पर, हर एक चीज़ों पर हम जितना बारीकी से, आप हमको सदन में भी देखे होंगे, हम जिस चीज़ों को सदन में भी जितना चीज़ों को रखने का काम किए हैं, ये एक तरफ से आदिवासियों का आवाज, इस 20 साल में जो मैंने संघर्ष किया है, कोई नेता संघर्ष नहीं किया है, ये आपके सामने सारे चीज आपके पास प्रूफ है, जो मैंने इस 20 साल में संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत आया, और इसी के परिणाम हुआ आज कि आप देखा यहाँ पर, ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ना कोई मेरे पास कोई अकाउंट पकड़ाया गया,
पूरा सीबीआई मेरा पूरे जगह का अकाउंट को खंगाला पूरा, मेरा सैलरी अकाउंट के सिवा कोई अकाउंट नहीं मिला। सीबीआई हमको अपने बच्चों को हम जो पढ़ाए, आप फीस कहाँ से देते हैं ये सवाल करती है। हम बैंक में मैनेजर थे, 7-8 साल हम नौकरी किए बैंक में, 1.5 साल मंत्री थे, बताओ 6 लाख रुपया की बात करता है। अरे 6 लाख अगर गलत तरीके से भी आया है भी बताओ ना कि हम चोरी किया है या वहां पर कुछ गलत किए हैं, कुछ गलत काम करके आए। लेकिन इस तरह से करा करके और पूरा सीबीआई का क्लियर कट पूरा यहाँ पर रिपोर्ट है और आप रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे पूरा एक एक चीज आपको इस पेज में दी, हमको लगता है इस पेज में पूरा दिया हुआ है। इस पेज आप पेज नंबर में देखिएगा 32 में पूरा और 32 और इसको आगे आप चैलेंज करेंगे। एक सेकंड 7 नंबर पूरा पढ़ लीजिएगा पूरा समझना। और ऐसा करके समझ लीजिए कि हाँ कोई भी मैंने कुछ लोगों का जो षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पर कि ऐसा करके मैंने आदिवासी नेता को मैंने एक तरफ से उभरने देना, ज्यादा बोलोगे तो समझ लो तुमको इन तरह का एजेंसी से डरवाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बंधु तिर्की एक चीज जान लीजिए कि अंतिम दम तक पूरा चाहे कुछ भी हो हम लड़ेंगे इसके लिए और इसको सामने करेंगे। और जो लोग फर्जी तरीके से केस किया है, PIL किया था, उनके खिलाफ भी SC ST थाना में जाएंगे पूरा। उसका तथ्य कहाँ मिला? अब किस तथ्य के सहारे आपने जो जिसका आरोप लगाया उसको प्रमाण कीजिए ना आप, इतना जमीन है इतना पैसा प्रमाण करते। लेकिन बिना प्रमाण किए हुए आप केस किए हैं, अभी कोई प्रमाण नहीं मिला CBI तक को। तो ऐसा जो लोग फर्जी केस करा करके भोले भाई यहाँ जो नेता बनना कोई आसान नहीं, तो बहुत मुश्किल से नेता बनता है, उन नेताओं को इस तरफ से क्रश किया जाता है। इसलिए उनके खिलाफ में भी आने वाला दिन में SC ST थाना जाएंगे और केस करेंगे। इसलिए मुंह गलते में ना रहे लोग, और घबराने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, पूरा लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जरूरत पड़ेगा आने वाला दिन में जनता के साथ मिल करके उसके पास भी इस बात को रखेंगे। धन्यवाद। न्यायिक प्रक्रिया में अभी हम हाईकोर्ट गए, उच्च न्यायालय गए हैं और वहाँ पर हमने अपील किए हैं। हमको उम्मीद है वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया ऊपर और जरूरत पड़ेगा तो आगे और न्यायालय न्याय कहीं में जाएंगे। लेकिन हमको विश्वास है कि आने वाले दिन में हमको न्यायालय में न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, भरोसा हमको है। छवि कौन खराब करना चाह रहा है? देखिए बाबा, इसमें कौन खराब करना चाह रहा है, बहुत सारे चीजों को आपको पता ही है पूरा इस सब चीज के बारे में। तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते? जरूरत होगा करेंगे। खुद लोग हैं, बहुत लोग हैं, पता चलेगा कुछ दिन का, पता चल जाएगा, बहुत चीज सामने आ जाएगा। आज तो आपको कहे ना कि उन लोगों के खिलाफ जो जाएंगे SC ST थाना में भी, जो लोग PIL दाखिल किया था, वो तो साफ हो जाएगा ना कौन लोग है, पता चल जाएगा कौन गिरोह का है, कौन है, तो पता चल ही जाएगा। मतलब आप अपने विरोधियों का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं? सबूत इसमें पूरा सबूत है, कौन लोगों ने गया था इसमें आपको पता लग जाएगा। सबूत पूरा सबूत है, सारा सबूत है इसमें। जिस खेल घोटाले से आपकी जो है कि संपत्ति अर्जित की बात की जा रही है, उस खेल घोटाले में और भी अभियुक्त है, उनके ऊपर कोई तलवार लटकती है? पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा जांच को डाइवर्ट करने के लिए बंधु तिर्की समझ रहे ना, जांच होना चाहिए। लेकिन ये CBI का ये भी रिपोर्ट है, उसी से रिलेटेड है। हम पर टारगेट जांच को डाइवर्ट करने का प्रयास, इसलिए जांच होनी चाहिए। क्यों हो जांच? लेकिन जो चीजें हैं इस चीज को समझ, एक ही व्यक्ति का जांच CBI बंधु तिर्की SCB जांच करता है, फिर करता है, ये तो खेले गांव से रिलेटेड है ना, कितना जांच करेंगे? उसमें मीडिया ट्रायल हो रहा है, बहुत मुश्किल से नेता बनता है पूरा। हमारा बाप दादा लोग को MLA MP नहीं था, पॉलिटिकल करियर से नहीं आए थे हम संघर्ष किए उसे करना। भाई अगर हम किए हैं तो आपको तो रिपोर्ट में उस पर किसी तरह का बोल करके मामला को डाइवर्ट ना करें, कृपा करके इसको पढ़िए और जब इसके साथ आप लोग उम्मीद है इसी पर कीजिए। CBI में भरोसा नहीं है कि फिर से जब एक बार आपसे पूरा जांच हो गया कि भाई आप खेल मंत्री थे तो भी अवैध संपत्ति अर्जित नहीं किए, ना दिल्ली में कोई फ्लैट है, ना कहीं बंडौरा में 100 एकड़ जमीन है,
तो जब आप खेल घोटाले के फिर से जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया सीबीआई को, तो आपको फिर डर लग रहा है कि फिर इसी बहाने आपको सीबीआई फिर एक्यूज बनाएगी और फिर जांच नहीं, 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 देखिए सीबीआई के मैंने जो सीबीआई मेरा नाम आना बार बार ऑलरेडी जब जांच हो चुका है सीबीआई जैसा एजेंसी सबसे बड़ा एजेंसी एक ही चीज को जांच ठीक है भाई आप स्वतंत्र है जांच करना चाहते हैं लेकिन मेरा छवि मेरा राजनीतिक ये इसे धूमिल हो रहा है इस बात को भी जानना चाहिए आप इस पर लिखते हैं साफ साफ मैं तो पढ़ दिया बाबा जी दिस इज नॉट टू फिट केस लॉन्चिंग द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट श्री बंधु तिर्की इट इज देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट सीबीआई मे बी अलाउड टू क्लोज इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट बंधु तिर्की ये मैं हम नहीं लिख रहे हैं ये सीबीआई लिख रहे हैं बता रहे हैं पूरा उसी में दादा ये लिखा है दिस इज नॉट फिट केस फॉर लॉन्चिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट श्री बंधु तिर्की ये वाला आय से अधिक संपत्ति वाला मुद्दा आय का ठीक है आय देखिए आय का अधिक संपत्ति नगर जो भाई जब मंत्री थे तब ना आय से अधिक संपत्ति हुआ अच्छा खेल उसी से ना हुआ खेल मंत्री के समय मामला पीआईएल किया गया था उसी से रिलेटेड है बाबा उसको समझिए नागार्जुन इसमें आरोप लगाया गया कि नागार्जुन ने इसको बसंतकुंज में 8 करोड़ का मकान दिलाया इसी से रिलेटेड है डियर इसलिए मैं कह रहा हूँ चलिए आप इसको मत करो इस बात को ठीक है यही कंफ्यूजन है लोगों को बता रहे हैं आपको डीए केस उसी को ही किया है हमारे पास तो पीआईएल बनता ही नहीं जो लोग पीआईएल किया है वो कहीं तथ्य के आते में पेपर कतरन करके करा दिया तुम्हारा कतरन पर चलिए थैंक यू ये सब ये करो आप लोग मेरी